भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश में एक साल पूरे होने पर सरकार के नुमाइंदे जिले भर में जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों का बखान करने निकल पड़े हैं। जालौन में शनिवार को प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी पहुंचे। पुरई के विकास भवन सभागार में उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में जनता की समस्याओं का निदान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जनपद तहसील और विकास खंड स्तर पर मेला लगाकर लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि सरकार के एक साल के कार्यकाल में किसानों से लेकर नौजवानों और पेयजल से लेकर सिंचाई हर क्षेत्र में सरकार ने कार्य किए हैं, जिससे जनमानस को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। एक साल नई मिसाल के तहत हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक वर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से गति विकास की पकड़ी है, उसके लिए हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत। 36,000 करोड़ के प्रावधान से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का फसल ऋण मोचन हुआ। गन्ना किसानों को 27,000 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया मूल्य का भुगतान किया। किसानों से 37 लाख मेट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की, जो गत वर्षों की बात 4.5 गुना अधिक है। किसानों से 42.54 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद कुल 12,620 करोड़ का भुगतान किया गया है। जनपद जालौन में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों को माध्यम बनाया। परिवहन विभाग की ओर से उरई के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जिले के 50 स्कूलों के होनहार बच्चों के बीच एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता के बाद शेष 33 स्कूलों के बच्चों के बीच द्वितीय और अंतिम चरण की बहुविकल्पीय परीक्षा का आयोजन किया गया, जिनमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में डीएम व एसपी ने भी शिरकत की। उन्होंने बच्चों को वाहन चलाने संबंधी नियम भी बताए। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने बताया कि सिर्फ निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना ही मुख्य मकसद नहीं है, बल्कि बच्चों के द्वारा बताए गए उनके अभिभावकों और परिवार के अन्य सदस्यों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही बच्चों को यातायात के चिन्ह और सड़क पर चलने के नियम की जानकारी भी दी गई। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना, इसके लिए जो है हम लोगों ने नवंबर माह में जनपद जालौन में परीक्षा करवाई थी निबंध प्रतियोगिता। उसमें कुल 33 स्कूलों में प्रतियोगिता कराई गई थी। उस प्रतियोगिता में अपने स्कूल में प्रथम आने वाले बच्चे आज एक उस उद्देश्य को लेकर के बहुविकल्पी टाइप की परीक्षा कराई गई है। इसमें बच्चों को बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, 1 घंटे का पेपर था और उसके आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर जो बच्चे चयनित हुए हैं उनको पुरस्कार दिया गया है। जनपद जालौन के कोंच में रामनवमी के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राम भक्तों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। जय श्री राम के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। राम भक्त डीजे की धुन पर नाचते एवं गाते नजर आए। इस अवसर पर कोंच में चंद्रकुआ भूतेश्वर मंदिर में राम जुआरे की एक विशाल शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। राम भक्तों के स्वागत के लिए जगह जगह मिष्ठान एवं ठंडे पानी का वितरण भी किया गया। इस शोभा यात्रा में पहुंचे किन्नर समुदाय की काजल किरण ने भगवान श्री राम को पूरे भारत देश के लिए आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम से अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम नर रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, पूरी मानव जाति को मर्यादा का संदेश दिया, इसलिए हम सब लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहते हैं। शोभा यात्रा के सुचारू रूप से संचालन के लिए पूरा प्रशासन मुस्तैद नजर आया। पुलिस ने जगह जगह ट्रैफिक रोक कर शोभा यात्रा सकुशल सम्पन्न कराई। ये हिंदू परंपरा के अनुसार चैत्र मास में जो हमारी माता रानी का अब आयोजन होता है, नवदुर्गा के रूप में हम लोग मनाते हैं, उसी के तदुपरांत नवे को हमारे आराध्य श्री राम, जिनका आज जन्मदिन के रूप में हम लोग सभी हिंदू एकजुट होकर इस रामनवमी के दिन राम जी का जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो कई वर्षों से इस झांकी के रूप में पूरे नगर में सभी भाईचारे के साथ इस राम जन्म को मनाते हैं। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए जालौन से अनुज पाटकार की रिपोर्ट।